कोरोना वायरस जो अंतर्राष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, इसके लिए तमाम जिलावासियों से मेरा अपील है, अनुरोध है, गुजारिश है कि आप इसका समर्थन करें और सारे लोग जितने भी हमारे जिलावासी हैं कम से कम इतना कम से कम लोग समर्थन करें कि हर जगह पर लोग जाने से अवॉइड करें और लोग अपने आप को दूरी बना के रखें। 31 मार्च तक जो बिहार सरकार के तरफ से जो बिहार को लॉकडाउन किया गया है, इसका लोग समर्थन करें और सफाई पर ज़्यादातर ध्यान दें। देखिए, कोरोना वायरस, ये जो वायरस है, सफाई सबसे बड़ी चीज़ है। ये सफाई और जागरूकता ही इसका उपाय है। इससे बचने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, हमें साफ सुथरा रहना पड़ेगा, सैनिटाइज से हम लोगों को हाथ धोना पड़ेगा, साबुन से हाथ धोना पड़ेगा। हम लोग सफाई खाने से पहले, खाने के बाद हाथ धोएं और सैनिटाइज करें और भीड़ भाड़ की जगह में जाने से कम अवॉइड करें। 31 तारीख तक कम से कम इसका ध्यान रखें सारे लोग, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय महामारी है। इस महामारी के लिए जो बिहार सरकार के द्वारा जो एक सप्ताह का लॉकडाउन किया गया है, इसका सारे लोग समर्थन करें और अपने आप में एहतियात बरतें। एहतियात ही इसका उपाय है। अगर एहतियात हम लोग करेंगे तो कोरोना से हम लोग लड़ सकते हैं और कोरोना बीमारी से हम लोग नजात पा सकते हैं। ये अल्लाह का करम है कि अभी तक जितने भी लोग इसमें संदिग्ध लोग आ रहे हैं, इसमें अब तक कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा है। किशनगंज में भी एक मेडिकल कॉलेज में कल एक भर्ती किया गया था, जिसका सैंपल आ गया है, उसका सैंपल टेस्ट होकर के आने के बाद वो नेगेटिव हुआ है। ये अल्लाह का करम है कि अब तक यहाँ पर कोई पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन इसको एहतियात बरतना हम लोगों को ज़रूरी है कि 31 तारीख तक सारे लोगों से मेरा अपील है, गुजारिश है, अनुरोध है कि सारे लोग एहतियात बरतें, भीड़ भाड़ के जगहों पर न जाएं, भीड़ भाड़ से कम दूरी बना के रखें, अपने घरों में रहें और सरकार के तरफ से जो निर्देश है उस निर्देश का पालन करें और इससे हम लोग अगर एहतियात बरतेंगे तो कोरोना से हम लोग लड़ सकेंगे।